कहते हैं इश्क की कोई उम्र नहीं होती, उसमें भी अगर मोहब्बत कुर्सी से हो जाए तब तक उम्र का कोई मायने ही नहीं रखता। बिहार की सियासत में भी कुर्सी का प्यार कुछ ऐसा ही है। यहाँ 72 साल के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को सीएम की कुर्सी से हटाने के लिए ना सिर्फ विपक्षी दल भाजपा बल्कि सहयोगी दल राजद के कई नेता भी बयान देते रहते हैं, लेकिन इन सबके बीच देखा जाए तो नीतीश का कुर्सी प्यार फिलहाल तो और गहरा ही हो गया है। आपकी फिटनेस का राज क्या है? एशफील रस, ये एक ही बोतल में है। स्ट्रेस, वीकनेस, एसिडिटी, एबिसिटी, हेयर फॉल, स्किन की हर परेशानियों का एक ही हल, एशफील लाइफ, डायबिटीज फ्री लाइफ। कुर्सी की खींचतान ने जदयू जहां नीतीश के लिए मजबूती से खड़ी है, तो वहीं राजद नेता तेजस्वी यादव अब खुद कह रहे हैं कि उन्हें सीएम बनने की जल्दी नहीं है। लेकिन राजनीतिक जानकारों की माने तो तेजस्वी ने काफी सोच समझ कर यह बयान दिया है। दरअसल नीतीश कुमार ने 2 दिन पहले ही किसान समागम में कहा था कि हम तो 72 साल के हो गए हैं, अब कितना कहते रहेंगे और कितना समझाएंगे। मेरा सुझाव है, मानना है तो माने, वरना ठीक है मत मानिए, जो मन करे वही करिए, हमको क्या है, हम जब तक है तब तक आपके हित में काम करते रहेंगे, जो मन करे वो करते रहिए, हम इसमें क्या कर सकते हैं। उनका यह बयान तो किसानों से जुड़ा हुआ, लेकिन एक तरह से यह सुझाव भी था। सुझाव यानी नीतीश की उम्र अब 72 साल हो गई है, ऐसे में वो बढ़ती उम्र के साथ खुद ही एक समय में राजनीति से किनारे हो जाएंगे। उसके पहले उनका मकसद 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा के खिलाफ विपक्षी एकता को सफल बनाना है, जिससे केंद्र में गैर एनडीए सरकार बने। इसके लिए बेहद जरूरी है कि विपक्ष एकजुट दिखे, बिहार इसमें बड़ी पहल कर सकता है। लेकिन यह तब होगा जब राज्य में मुख्यमंत्री की कुर्सी की जगह बिहार में भाजपा को हराने के मुद्दे पर महागठबंधन के घटक दल ध्यान केंद्रित करे। इसके लिए नीतीश के 72 साल होने की टिप्पणी के बाद तेजस्वी ने भी साफ कर दिया है कि उन्हें सीएम बनने की जल्दी बिल्कुल नहीं है। इन सबके बीच भाजपा को भी तेजस्वी और नीतीश कुमार पर हमलावर होने का मौका मिल गया है। भाजपा के ओबीसी मोर्चा के राष्ट्रीय महासचिव निखिल आनंद ने कहा है कि जदयू के ललन सिंह और केसी त्यागी के बयानों के बाद नीतीश कुमार और तेजस्वी की प्रतिक्रिया से पता चलता है कि वो एक अजीबोगरीब स्थिति में फंस गए हैं और ठीक से प्रतिक्रिया करने से असमर्थ हैं। इसलिए उनके बयान ताने और व्यंग से भरे हुए हैं। दरअसल सीएम बनने के लिए जो संख्या बल चाहिए उसमें भी तेजस्वी फिलहाल पिछड़े हुए हैं। इसलिए पिछले दिनों जदयू अध्यक्ष ललन सिंह ने साफ तौर पर कहा है कि तेजस्वी के सीएम बनने की कोई बात महागठबंधन में नहीं हो रही है। उनकी टिप्पणी इस ओर इशारा करती है कि तेजस्वी अगर चाहे तो बहुमत का आंकड़ा वो नहीं जुटा पाएंगे, इसलिए भाजपा के खिलाफ विपक्षी एकता की मुहिम में उन्हें नीतीश का साथ देना एक प्रकार से मजबूरी भी है। तेजस्वी भी इस बात को जानते हैं और यही कारण है कि उन्होंने अब कहा है कि उन्हें सीएम बनने की जल्दी बिल्कुल नहीं है। ऐसे में राजद नेताओं की ओर से तेजस्वी को सीएम बनाने के लिए बनाया जा रहा दबाव एक झटके में जदयू ने तोड़ दिया है। तेजस्वी भी जानते हैं कि वो अकेले बिहार में कुछ नहीं कर सकते हैं। लोकसभा चुनाव हो या विधानसभा चुनाव, अगर नीतीश के साथ तेजस्वी रहते हैं तो महागठबंधन मजबूत वोट वाला बैंक रहेगा।
इससे भाजपा और एनडीए को मात देना आसान होगा। तेजस्वी इन सभी बातों को समझते हुए ही फिलहाल 2024 के लोकसभा चुनाव में महागठबंधन की जीत सुनिश्चित करने के लिए काम करने की बात कर रहे हैं। बता दें आपको कि सीएम बनने की बातों का हवा देने से बचकर महागठबंधन में किसी प्रकार का विवाद को जन्म नहीं देना चाहते हैं। ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए बने रहें NBC 24 पर।